आज हम आपको विपस्यना ध्यान विधि कराने जा रहे हैं। यह वही विधि है जिसके द्वारा ही भगवान बुद्ध ने ज्ञान व निर्वाण प्राप्त किया है। केवल भगवान बुद्ध ही नहीं, विश्व के अधिकांश लोगों ने इसी विधि के द्वारा ही ज्ञान व संभुतत्व को प्राप्त किया है। यह भैरव तंत्र में वर्णित शिव द्वारा पार्वती जी को दी गई सीख के तौर पर एक विधि है। विपस्यना का अर्थ है अपने श्वास का निरीक्षण करना। इस विधि द्वारा आत्म शुद्धि होती है तथा सिद्धियां स्वतः ही सिद्ध हो जाती हैं। तो चलिए विपस्यना ध्यान प्रारंभ करते हैं। इसे करने के लिए किसी भी आसन में व्यवस्थित हो जाइए। हम यहाँ पर आपको पद्मासन लगाकर बताने जा रहे हैं। आसन का चुनाव वही करिए जिसमें आप लंबे बैठ सकते हैं। प्रारंभ में इसे 5 मिनट से लेकर घंटों घंटों इस पे बैठा जा सकता है। अतः उसी आसन का चुनाव करें जिसमें आप बहुत सहजता के साथ बैठ सकें। सुखासन भी चलेगा। जो लोग सुखासन में भी 10 से 15 मिनट ना बैठ पाएं, वे बिना हैंडल की कुर्सी पर कमर सीधी रखते हुए भी इस ध्यान विधि को कर सकते हैं। करते समय विशेष ध्यान यह देना है कि आपकी रीढ़ की हड्डी पूरी तरह से सीधी व तनी हुई रहेगी। अब इसे करने के लिए प्रारंभ में 10 बार लंबी गहरी सांस लें। रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए लंबी सांस लें, गहरी सांस लें, साथ में लंबी गहरी सांस भी छोड़ें। दस बार लंबी गहरी सांस लेने छोड़ने के बाद अब अपने पूरे ध्यान को अपनी श्वासों पर ले आइए। आपका शरीर श्वास ले रहा है और छोड़ रहा है। आपको यह कोशिश नहीं करनी है, ना आपको श्वास लेना है ना आपको छोड़ना है। बस जो काम शरीर कर रहा है उसको साक्षी भाव के साथ देखना है। अब शरीर लंबी श्वास ले, गहरी श्वास ले या छोटी श्वास ले, उसका ठीक उसी प्रकार निरीक्षण करिए या उसे ठीक उस प्रकार देखिए जिस तरह आप कोई चलचित्र या टेलीविज़न देखते हैं। पूरा ध्यान श्वास पर। श्वास नासिका पुट्टो से होता हुआ, छाती से होता हुआ, जितना लंबा और गहरा अगर वह नाभि तक भी जा रहा है तो उसे वहाँ तक निरीक्षण करें। अब जब श्वास छोड़ें उसे उसी मार्ग से निरीक्षण करते रहें। श्वास जिस मार्ग से आया था अब उसी मार्ग से वापस भी जा रहा है। श्वासों का बारीकी से निरीक्षण करिए। ना तो श्वास आपको लेना है ना छोड़ना है, इसका विशेष ध्यान दीजिए। बस जो काम शरीर कर रहा है उसको पूरे साक्षी भाव के साथ में देखना भर है। यही है विपस्यना ध्यान विधि जिसके द्वारा विश्व के अधिकांश साधकों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। यह विधि आपको पूर्ण रूप से जागृत बनाती है। आप इस अवस्था में जितनी देर सहजता के साथ बैठ सकते हैं बैठिए। प्रारंभ में इसे 5 से 7 मिनट करें, फिर क्षमता धीरे धीरे बढ़ाते हुए इसे घंटों घंटों बैठकर किया जा सकता है। और जिस दिन ध्यान आपका घंटों घंटों सहजता के साथ लगने लग जाएगा, समझिए आपकी कुंडलिनी जागरण, आपका बुद्धत्व जागरण सब कुछ प्रारंभ हो सकता है। लेकिन किसी भी कार्य में, किसी भी विधि में आपका समर्पण चाहिए। जब आपका समर्पण सच्चा होगा तब आप घंटों घंटों पूरी सहजता के साथ, पूरी सजगता के साथ बैठ सकते हैं। अब इस विधि को करते हुए जितने देर बैठ सकते हैं बैठिए। जब भी ध्यान आप समाप्त करेंगे पहले हाथों को रगड़कर हाथ की गर्मी से चेहरे आँख का आपको हल्का मसाज कर लेना है। फिर धीरे से नेत्र खोलकर या बिना नेत्र खोले शवासन पर विश्राम करना है। विश्राम तब तक करें जब तक संपूर्ण शरीर व मन पूरी तरह से शांत व सहज न हो जाए। शवासन करने के बाद बाईं करवट होते हुए उठें तथा अगले 30 से 40 मिनट पूरी तरह मौन होकर रहें। मौन होकर ही अपने दैनंदिन कार्यों का संपादित करें। कोशिश करें कि लंबे समय तक किसी से कोई बातचीत ना हो या आप किसी प्रकार के यंत्र, मोबाइल या टेलीविज़न आदि का उपयोग न करें। तो यह था विपस्यना ध्यान विधि, प्रसिद्ध विपस्यना ध्यान विधि जिसके द्वारा कई लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया है। लेकिन किसी भी कार्य में सिद्धि या सफलता तब मिलती है जब आप उसमें नियमित होते हैं। तो इस विपस्यना ध्यान को नियमित रूप से इसका अभ्यास करें और कम समय से प्रारंभ करके इसे घंटों घंटों इसे समय दें और 24 घंटे में से
एक घंटा दिया हुआ समय आपके संपूर्ण जीवन, आपके संपूर्ण सोच विचार को बदल देगा। जादुई रूप से दिव्यता आपके जीवन में उपलब्ध होती चली जाएगी। यह वही विधि है जिसके द्वारा कई सद्गुरुओं ने बहुत आसानी से सिद्धि, शांति, ज्ञान व निर्वाण अर्थात मोक्ष को प्राप्त किया है। मोक्ष अर्थात सभी प्रकार के अक्ष से मुक्ति। मोक्ष का अर्थ मर जाना या समाधि में लीन हो जाना नहीं है। इसका सीधा तात्पर्य है कि ऐसा व्यक्ति किसी भी चीज़ से प्रभावित हुए बगैर अपनी साधना, अपने प्रेम, अपनी भक्ति में समर्पित रहता है। उस पर किसी भी घटना, दुर्घटना या किसी अन्य व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यह विपस्सना ध्यान विधि आप नियमित रूप से प्रतिदिन करें, इसे अपना धर्म बना लें और अपने जीवन को जादुई रूप से परिवर्तित करते चले जाएं।